मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रज्ञा अकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने विशेषण से संबंधित पद परिचय पढ़ा और मैंने उसके कुछ उदाहरण आपको सॉल्व करने के लिए दिए। आज हम उनका सॉल्यूशन देखेंगे कि हमें किस प्रकार से उनका पद परिचय करना है। ठीक है, तो वाक्य नंबर एक था आपका इस चमकीली गेंद से मत खेलो, इस चमकीली गेंद से मत खेलो। तो यहां देखिए, सबसे पहले इसका, फिर चमकीली और गेंद, हमें तीन बिंदुओं का यहां क्या करना था, हमें पद परिचय करना था। तो नंबर एक सबसे पहला देखिए बेटा, इस पद का पद परिचय। माना कि हमने पिछले वीडियो में सिर्फ विशेषण से संबंधित पद परिचय का अध्ययन किया था, लेकिन संज्ञा सर्वनाम और विशेषण, हम तीन बिंदुओं का पद परिचय करना पढ़ चुके हैं। तो अब जो वाक्य होंगे आपके, उनमें क्या है, सब में मिक्स है, संज्ञा का भी है, सर्वनाम का भी है और विशेषण का भी है। तो सबसे पहला काम है आपका पद की पहचान करो, ये पद कौन सा है। तो यहाँ क्या कर रहा है, इस चमकीली गेंद की तरफ क्या कर रहा है, इशारा कर रहा है, संकेत कर रहा है। इस कारण से अपन इसे क्या कहेंगे, सार्वनामिक विशेषण। तो ये हो गया आपका सार्वनामिक विशेषण। ठीक, क्लियर। सार्वनामिक विशेषण के बाद लिंग और वचन किसके अकॉर्डिंग चलता है आपको बता, विशेष अकॉर्डिंग। तो वचन तो हो गया आपका एक वचन, क्योंकि एक ही गेंद के बारे में बात कर रहे हैं। अब गेंद जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है, इस कारण से यहां हम ये जो इस है, इसको भी क्या मान के चलेंगे, स्त्रीलिंग। माना है कि पढ़ने से हम पुल्लिंग जैसा आभास होता है, लेकिन विशेषण का लिंग और वचन विशेष्य के अकॉर्डिंग ही प्रयुक्त होता है। ठीक है, अब उसके बाद नंबर चार आता है विशेष्य। तो विशेष्य आपका क्या है, गेंद। तो गेंद विशेष। ठीक, और अवस्था जो देखेंगे हम, तो तुलना है वाक्य में, नहीं है, इसका मतलब यहां आपकी जो अवस्था होगी वो होगी आपकी मूलावस्था। ठीक है, इस तरीके से हम इसका पद परिचय करेंगे। उसके बाद आपका पद नंबर दो है चमकीली। ठीक है, चमकीली पद का पद परिचय, चमकीली पद के पद परिचय। अब आप इसका पद परिचय करोगे भैया, चमकीली का तो सबसे पहले विशेषण है, और कौन सा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण, क्योंकि उसका गुण है चमकदार। तो गुणवाचक विशेषण, ठीक है, वही एक वचन, गेंद स्त्रीलिंग है तो ये भी स्त्रीलिंग, विशेष आपकी गेंद ही है तो गेंद विशेष, और कोई तुलना नहीं है इस कारण से मूलावस्था। ठीक है, उसके बाद आप देखिए गेंद का पद परिचय, गेंद पद का पद परिचय। तो गेंद पद का पद परिचय जब आप करोगे, तो आपको सबसे पहले गेंद की क्या करो, पहचान करो भैया ये कौन सा पद है। तो यहां गेंद क्या है, नाम है गोल, जो खेलने के लिए हम पदार्थ तत्व काम में लेते हैं उसे हम गेंद के नाम से जानते हैं, तो उसको हमने नाम में रखा है गेंद। अब गेंद जो है वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे हमारी हो चाहे तुम्हारी हो, सब किसका बोध करा रहे, संपूर्ण जाति का, इसलिए अपन क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, लिंग की बात करते हैं तो गेंद से हमें किसका आभास हो रहा है, स्त्रीलिंग का, स्त्री होने का, स्त्रीलिंग लिखेंगे। एक ही गेंद से बात कर रहे हैं, एक ही गेंद के बारे में, तो अपन यहाँ एक वचन लिखेंगे। अब उसके बाद नंबर आता है कि संज्ञा का पद परिचय, संज्ञा में अपन पांच बिंदु की जानकारी देते हैं, सबसे पहले प्रकार, फिर लिंग, फिर वचन, कारक और क्रिया के साथ पद का संबंध। तो यहाँ सबसे पहले अपन क्या बताएंगे, हम कारक बताएंगे, भैया ये कौन सा कारक है। तो सब देखिए, अब कारक कौन सा है साहब, सबसे पहले चिन्ह देखो आप, गेंद के बाद चिन्ह आया से। अब समस्या ये हुई कि से जो चिन्ह होता है ये हमारे दो कारकों का होता है,
कर्ता कारक का सॉरी करण कारक का भी यही होता है और अपादान कारक का भी यही होता है। अब समस्या ये है कि करण है अपादान है, तो आपको हमने बताया था कि से के स्थान पर के द्वारा लगा के देखिए, यदि भावों में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है तब तो होगा आपका करण कारक, यदि भाव में परिवर्तन होता है तो हो जाएगा आपका अपादान कारक। तो यहाँ पर इस चमकीली गेंद के द्वारा मत खेलो, भाव में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसका मतलब यहाँ पे जो अपन कारक लिखेंगे वो लिखेंगे करण कारक और क्रिया के साथ पद के संबंध में खेलो या मत खेलो क्रिया का कारण, इस तरीके से हम गेंद का पद परिचय करेंगे। ठीक, ठीक है। अगला जो वाक्य था वो था आपका, सुरेश ने अपने पुत्र से काले कपड़े पहनने से मना किया। तो यहां सुरेश अपने पुत्र काले और कपड़े, इन पदों का हमें पद परिचय करना है। तो सर्वप्रथम सुरेश, अब मैं आपकी शॉर्ट में लिख रहा हूं सुरेश, ठीक है, सीधा पद परिचय। तो सुरेश पद का जब आप पद परिचय करोगे तो सबसे पहले पहचान करो सुरेश क्या है, नाम है अर्थात संज्ञा, और कौन सी संज्ञा है आपकी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो सुरेश हो गया आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद लिंग और वचन, तो लिंग से किसका बोध हो रहा है, पुरुष जाति होने का, इसलिए अपन लिख देंगे पुल्लिंग, और एक ही व्यक्ति का बोध करा रहा है इस कारण से अपन लिखेंगे एक वचन। अब बात आती है कारक की, तो कारक में आप क्या देखो, चिन्ह आ रहा है ने, और मना करने वाला कौन है, सुरेश, इसका मतलब ये हो गया आपका कर्ता कारक, और क्रिया के साथ पद का जो संबंध होगा वो क्या लिखोगे आप, मना किया, क्रिया का कर्ता, मना किया क्रिया का कर्ता। क्लियर, ठीक। उसके बाद नंबर दो आता है आपका अपने, क्या है अपने, सर्वनाम है, और किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है, सुरेश के लिए, इस कारण से कौन सा सर्वनाम हो गया आपका, निजवाचक सर्वनाम। बात आती है लिंग की, तो अपन कहेंगे पुल्लिंग, वचन तो एक, कारक की बात आती है चिन्ह अपने ने, अर्थात क्या बताया जा रहा है, संबंध, इस कारण से यहां अपन जो कारक कहेंगे वो कहेंगे आपके संबंध कारक। और संबंध कारक की बात, आपको क्रिया के साथ पद का संबंध बताना है, तो मना किया क्रिया का संबंध, ठीक, ठीक है। अगला पद परिचय लीजिए पुत्र, पुत्र से, तो संज्ञा में कौन सी संज्ञा हो गई आपकी, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के बाद पुत्र, पुरुष होने का बोध करा रहा है इसलिए पुल्लिंग, एक की बात चल रही है इसलिए एक वचन। अब आपकी बात कारक, तो कारक चिन्ह आ रहा है यहां से, अपने पढ़ा था एक नियम था कि जब किसी को कोई शिक्षा दी जाती है तो वहां पे भी अपादान कारक माना जाता है, तो से चिन्ह आ रहा है इसलिए अपन यहां लिखेंगे अपादान कारक और मना किया क्रिया का अपादान, ठीक है। उसके बाद ये हो गया आपका पुत्र का पद परिचय। उसके बाद दे रखा है आपका भैया काले पद का, तो काले पद का जब आप पद परिचय करोगे तो काला पता चल रहा रंग का नाम, और रंग का नाम का विशेषण होता है कौन सा, विशेषण होता है गुण वाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण हो गया। अब बात आती है काले कपड़े पहनने से मना के, कपड़े क्या है बहुवचन है, तो काले भी क्या हो गया आपका बहुवचन, और कपड़ा पुल्लिंग है इसलिए हम यहां लिखेंगे पुल्लिंग और क्या लिखेंगे बहुवचन।
अब बात आती है विशेष्य की, तो अपन लिखेंगे कपड़े विशेष्य और अवस्था कोई तुलना नहीं है, इसलिए अपन यहाँ लिखेंगे मूलावस्था। तो इस तरह आपके कार्यों का प्रतिपरिचय कंप्लीट। उसके बाद अगला बिंदु जो है वो है आपके कपड़े। तो कपड़े का जब आप प्रतिपरिचय करोगे तो भैया कपड़े में जो प्रतिपरिचय आपको करना है तो उसमें देखिए कपड़ा जातिवाचक संज्ञा, बहुवचन, पुरलिंग। अब आती है भैया आपकी कारक, क्योंकि संज्ञा है तो कारक बताना पड़ेगा आपको। तो क्या पहनने से मना किया? कपड़े, इसका मतलब कौन सा कारक हो गया? कर्म कारक, कर्म कारक और मना किया, मना किया क्रिया का कारण। इस तरह से हम कपड़े का पद परिचय करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अगला जो है, चार वाक्य दिए थे, दो वाक्य कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट अगले जो है वो हम सॉल्व करते हैं। अगला वाक्य था आकाश में काली घटाएं छा गई। तो सबसे पहले आप करोगे आकाश का पद परिचय। आकाश का पद परिचय, तो सबसे पहले आकाश के बारे में पहचानो भैया क्या है, नाम अर्थात संज्ञा। तो कौन सी संज्ञा है? एक का ही नाम है, सब आकाश को दिखाई देता है, इसका मतलब ये हो गया आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि जो भी संसार में एक है वो सब व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा पुरुष जाति का बोध करा रहा है, इसलिए अपन लिखेंगे पुरलिंग। एक होने का बोध हो रहा है, इसलिए अपन लिखेंगे एक वचन। कारक की बात आती है, आकाश का वचन आ रहा है मैं, इसका मतलब यहां अधिकरण कारक और छा गई क्रिया का अधिकरण, ठीक। नेक्स्ट अगला है आपकी काली। जब आप काली पद का पद परिचय करोगे तो सबसे पहले पहचान काली क्या है? विशेषण। और विशेषण तो कौन सा आपका? गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण हो गया, ठीक है। अब किसके अकॉर्डिंग देखेंगे? घटा के अकॉर्डिंग। लिंग, तो घटा स्त्री होने का बोध करा रही है, इसलिए अपन क्या लिखेंगे? स्त्रीलिंग। एक है या बहुत है? बहुत सारी घटाएं होती है आकाश में, इसलिए बहुवचन। अगर एक होता घटा तब तो अपन लिखते एक वचन, लेकिन ये क्या है? बहुत सारी होने का बोध करा रही है, इसलिए अपन क्या लिखेंगे? बहुवचन। उससे विशेष है घटाए, तो घटाए विशेष, ठीक। और अवस्था में कोई तुलना नहीं है, इसलिए अपन लिखेंगे यहाँ पे मूलावस्था, ठीक है। नेक्स्ट अगला जो है वो है आपकी घटाए पद का पद परिचय। घटाए क्या है? नाम और जाति वाचक संज्ञा, ठीक है। जाति वाचक संज्ञा हो गया। जाति वाचक संज्ञा के दस बात अपन देखेंगे तो क्या बताएंगे? लिंग, तो लिंग में अपन क्या लिखेंगे? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग के बाद जब हम बताएंगे तो क्या लिखेंगे? वचन। तो वचन में घटाए क्या है? एक से बहुत सारी है, एक से अधिक है, एक से अधिक है, तो अपन लिखेंगे बहुवचन। और बहुवचन के बाद अपन लिखेंगे कारक। तो कारक में हम सॉरी घटाए संज्ञा, कारक कौन सा है? अब यहां देखो चिन्ह नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर अपन पूछे क्या छा गई तो भी हमें उत्तर क्या मिल रहा है? आपकी घटा है। और छाने का काम करने वाली कौन है? आपकी घटा है। तो क्रिया को करने वाला जो भी होता है उसे अपन क्या मानते हैं? कर्ता कारक। तो ये हो गया आपका कर्ता। और क्या लिखेंगे? छा गई क्रिया का कर्ता, ठीक है। नेक्स्ट जो अगला वाक्य है हमारा, चौथा जो वाक्य था उसका पद परिचय और कर लेते हैं हम।
राधा ने मधुर गीत गाया। तो यहाँ राधा मधुर और गीत, इन तीन पदों का हमें पद परिचय करना है लास्ट वाक्य में। तो सबसे पहले राधा कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, ठीक है बेटा, कौन संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब आता है बात लिंग की, तो राधा स्त्री जाति का बोध करा रही है, इसलिए अपन क्या लिखेंगे? स्त्रीलिंग, ठीक। अब आती है बात किसकी? वचन की, तो राधा एक कोने का बोध करा रही है, इस कारण से अपन क्या लिखेंगे? एक वचन। फिर बताएंगे अपन कारक, चिन्ह आ रहा है ने, और ने कौन से कारक का चिन्ह होता है आपके? कर्ता कारक, और गाया क्रिया का कर्ता, किसका कर्ता? गाया क्रिया का कर्ता। नेक्स्ट अगला जो है आपका वो है मधुर पद का पद परिचय। तो मधुर पद का जब आप पद परिचय करोगे तो सबसे पहले पहचाना, तो पता चला हमें कौन सा विशेषण है? गुण वाचक विशेष, ठीक है, ये हो गया आपका गुणवाचक विशेषण। लिंग और वचन की बात करें, किसके अकॉर्डिंग चलेंगे? गीत के अकॉर्डिंग। गीत किसका बोध करा रहा है? पुरुष जाति होने का। तो अपन यहां लिख देंगे भैया ये पुरुलिंग, ठीक है, और वचन, एक बार में एक ही गीत गाया जाएगा, तो एक वचन गीत विशेष मूलावस्था, ठीक है, इस तरीके से मधुर का पद परिचय। अब आप करोगे गीत पद का पद परिचय, गीत पद का पद परिचय। तो सबसे पहले गीत, तो गीत किसका बोध करा रहा है? संपूर्ण जाति का, इसलिए अपन लिख देंगे जाति वाचक संज्ञा। अब वचन और लिंग की बात करें तो गीत पुरुष जाति का बोध करा रहा है, इसलिए पुरलिंग, एक ही गीत गाया गया इसलिए एक वचन। कारक की बात करते तो क्या गाया? गीत, इसका मतलब कर्म कारक, और गाया क्रिया का कारक, ठीक है बेटा। इस तरीके से हम विशेषण से संबंधित पद परिचय करेंगे। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, तीन पदों का पद परिचय आपका संपूर्ण हो चुका है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम प्रारंभ करेंगे क्रिया से संबंधित पद परिचय। धन्यवाद।